नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं ओम साई राम एंटरप्राइजेस का कंपनी का ओनर मनोज पंडा। मैं उड़ीसा भुवनेश्वर का हूँ। मेरा पास बिजनेस करने के लिए, घर की उद्योग के लिए, छोटा से लेकर बड़ा तक बहुत सारे बिजनेस करने के लिए मशीनरी है। आप देख सकोगे, मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके। ये जो रेड कलर आ रहा है, ये इसमें क्या कि आप चप्पल भी बना सकोगे और पेपर प्लेट भी बना सकोगे, दोनों आइटम इसमें होगा। बाकी ये डब्बा देख तो इसमें फिनाइल रहता है, आप फिनाइल भी बना सकोगे, फिनाइल आइटम, उसका बोतल पोतल सब मिलती है। और उस तरफ देखेंगे, ये नीचे जो दिखा रहा हूँ ये हो अग्रवती का मैनुअल का मशीन है। ये जो है ये चाप्स कटर मैनुअल है, ऑटोमेटिक है, दोनों टाइप का है। ये रेड कलर का थी राइस मिल, हॉलो राइस मिल, और दूसरा भी वो भी राइस मिल, ये 3H का, वो 4H का। ये पेपर प्लेट मशीन है, सिंगल डाई वाला पेपर प्लेट, सिर्फ 6 आइटम का है, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक, सिंगल डाई, डबल डाई, 6 मॉडल है। ये कंपर टैबलेट मशीन, जैसे धूप बनाते हैं ना कंपर टैबलेट, जो वो मशीन, उसका बगल में ये राइस, पुराना राइस हलर है। ये कंबाइंड राइस मिल, दोनों एक तरफ राइस होगा, दूसरा तरफ आटा गेहूँ ये सब आप मैंने पिसा सकोगे। ये भी राइस मिल है डिस्टनर, इस राइस को जो डालने से है उसमें से जितना ये करके सफाई करके डालेगा उसमें। और ब्लू कलर रहते डाल मशीन, डाल सफाई करने के लिए, छिलका उसको ये करने के लिए, पॉलिश करने के लिए। उसका बगल में चिकन का जो सफाई करने के लिए, उसका बगल में छोटा चाप्स कटर है। अब और बहुत सारे मशीन हैं, अब आप यहाँ भी देख सकोगे। ये आप तो गेहूँ आटा जो है ना उसको फ्लोर मिक्सिंग बोलते हैं, रोटी चपाती बनाने के लिए। ये काउ मिल्किंग मशीन है। और भी बहुत सारे मशीन आई है, मेरे नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। ये ऑयल एक्सप्लोरर 3H का, उसका पीछे है बड़ा वाला वाला, ये बड़ा पति का, और पीछे वाला है 16 पति का। इसमें एक घंटा को 10 किलो, पीछे वाला एक घंटा को 25 किलो। ये 3 सिंगल फेज में चलेगा। ये नमकीन, जो नमकीन मसाला मिक्सिंग करने के लिए। ये स्टोन टाइप की गेहूँ पीसने के लिए। ये डबल चैम्बर वाला गेहूँ मसाला आइटम पीसने के लिए, वो पुली ऑटोमेटिक मशीन, वो नीचे पेपर प्लेट का। बाकी ये राइस मिले गेहूँ पीसने के लिए, सब सारे मशीन है, सब गेहूँ। ये पैकिंग मशीन है, आप छोटा से लेकर बड़ा तक पैकिंग कर सकोगे, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, 100 ग्राम पैकिंग करने के लिए मशीन। ये होती है मैनुअल मशीन, अग्रवती का मैनुअल मशीन, पेडल वाला। ये मेरा पीछे, ये डाल पीसने के लिए, गीला डाल पीसने के लिए, राइस डाल पीसने के लिए। ये भी छोटा गेहूँ पीसने का घरे के लिए, 1 HP 2 HP है।
ये पेट्रोल राइस मिल पेट्रोल में चलती है, ऊपर वाला ये कटन हुई, ये लॉन्ग कटन है ना, उसमें बनाने के लिए मछली है। सेमी ऑटोमेटिक में हाथ में देना पड़ेगा। ये प्लोवाइजर और ब्लो टाइप की, इसमें ऑल टाइप के वो स्पाइसेस मसाला ग्राइंडिंग कर सकोगे। ये अगरबत्ती का ऑटोमेटिक मशीन ये, ये घंटा में 6 किलो निकलेगा। ये पटाटो और आलू को फिलर करने के लिए और स्लाइस करने के लिए, चिप्स बनाने के लिए दोनों मशीन। बैक उसके पीछे जो चप्पल का मैनुअल मशीन, उसका सब सारे सामान, उसका ग्राइंडर, उसका डाई, ये जो चप्पल का डाई, ये चप्पल का ग्राइंडर ग्राइंडिंग करने के लिए, ये वेट मशीन वेट करने के लिए, और राइस गोला और वाटर पंप, ये आपको सीलिंग मशीन, छोटा छोटा सीलिंग मशीन हाथ में मैनुअल करना पड़ेगा। ये सब गेहूँ पीसने के लिए, गेहूँ दाल राइस और बेसन, ये सब बनाने के लिए सब मशीन। ऊपर कप फिलिंग करने के लिए मशीन, उसका ब्लू कलर का है राउंड वाला जो कटन वो बनाने का। उसका बगल में ड्रिप फायर, उसका बगल में जो टाटा का जो ग्लूकोस आती है ना, वो पैकिंग करने के लिए जो ग्लास सील करने के लिए वो मशीन। ये गार्लिक पिलर, वो कोकोनट कटर, वो करेट जूसर, ये भी गेहूँ बनाने का मॉडल। ये सब सामान जो देखते हैं, ये सब फिनाइल का रिक्वायरमेंट है, फिनाइल का उस परफ्यूम है। ये छोटा सा घर के लिए सुंदर दिखाई दे रहा है। ये गेहूँ राइस सब पीसने के लिए छोटा सा घर के लिए 1 HP में आती है, मोटर की कैपेसिटी 1 HP। ये ऑयल एक्सप्रेस छोटा का, छोटा ऑयल एक्सप्रेस मिनी ऑयल एक्सप्लोर, यार कैपेसिटी 1 घंटे में 5 किलो पीसेगा। ये चिल्ली ग्राइंडिंग करने के लिए, ये भी बड़ा वाला एक तो है ऑयल एक्सप्लोर, इसका घंटा कैपेसिटी है 1 घंटा में 10 किलो। बेंड सीलर है वो सीलिंग करने के लिए, पैकिंग करने के लिए। ये वेट ग्राइंडर दाल पीसने के लिए, दाल मसाला मसाले आइटम जो भी हो, इडली बिटली बड़ा फरा बनाने के लिए जो है ना, वो सब बना के लिए पीसने के लिए स्टोन टाइप का, 3 किलो 5 किलो 7 किलो 10 किलो 15 किलो 25 किलो तक है। वो छोटा सा जो पंपर रोलिंग वाला नीचे वाला, ये जो ग्राइंडिंग वाला, सो 1 HP 2 HP 3 HP 4 HP गेहूँ स्पाइसेस ग्राइंडिंग करने के लिए। ये बेसन मिक्सिंग करने, जो नमकीन आइटम है ना, बेसन मिक्सिंग करने के लिए, इसका कैपेसिटी है 5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो 20 किलो। ये भी एक 2-in-1 ग्राइंडिंग होगा, इसमें गेहूँ होगा और दाल भी पीसने होगा। ये पॉपकॉर्न है कमर्शियल वाला, ये हैवी ड्यूटी मिक्सर ग्राइंडर 5 लीटर का, ये 2 से लेकर 10 लीटर तक है, 2 3 5 10
ये फैन बैंडिंग, सीलिंग फैन है ना जो, उसको बैंडिंग करने के लिए कॉइल, उसका बगल में ये सुपर कटिंग सेमी ऑटोमेटिक है, वो ग्रेवी मशीन, इस कवर पैकिंग करने के लिए इस कवर, ये 5 लीटर का आटा मिक्सिंग करने के लिए, ऐसे बहुत सारे मशीन है। आप आइए मेरा कंपनी विजिट कीजिए। ये होती है आपको वेजिटेबल कटिंग, ये पॉपकॉर्न मशीन, ये नमकीन मशीन और ऑल ड्राई मशीन, नमकीन को ड्राई करने के लिए जो मशीन। मेरा चैनल अच्छा लगा तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिएगा। ऐसे बहुत सारे मशीन है। मेरा ऑफिस ये है, मेरा ऑफिस ये। चप्पल का रॉ मटेरियल चाहिए तो चप्पल का रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा मेरे पास। ये चप्पल का रिक्वायरमेंट, उसका कलर प्रिंटिंग करने के लिए कलर, उसको डिजाइन करने के लिए भी है बहुत सारे। ये सिली मशीन है, छोटा छोटा सिली मशीन है, ये 8 इंची, 10 इंची, 12 इंची, 16 इंची, 16 इंची तक है। ये देखते हैं चप्पल का रॉ मेटल, चप्पल है ना जो हवाई चप्पल बनाने के लिए, उसका शीट रॉ मेटल भी है, स्ट्रैप भी है, सब चप्पल बनाने जो जो रिक्वायरमेंट है वो सब मेरे पास रॉ मेटल स्टॉक है। ये पेपर प्लेट जो बनाते हैं ना, उसका डाई छोटा से लेके बड़ा तक सब डाई मिल जाएगा आपको। ये चप्पल का स्ट्रैप है, सब कलर के हिसाब से 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर जो भी चाहिए, सब बच्चों का, लेडीज का, जेंट्स का, सबका है। ये मेरा ऑफिस, टोटल ऑफिस ये का। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई बंदा कोई याद आपको मेरा ये ऑफिस विजिट करना चाहते हो तो नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, और कुछ नहीं आ पाएंगे तो फ़ोन पे जानकारी चाहिए तो फ़ोन पे जानकारी दे सकेंगे। नमस्कार, जय जगन्नाथ।